ऑफ यू, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्स्टेड स्पिनिंग प्रोसेस। पिछले लेक्चर में आपने जो है देखा कि क्या डिफरेंस है वर्स्टेड यार्न और उलेन यार्न में। तो हमने देखा कि बेसिकली जो है फाइबर की फाइननेस और फाइबर के लेंथ में डिफरेंस होता है। दोनों ही सिस्टम से उल फाइबर को हम प्रोसेस करते हैं। एक सिस्टम में जो है उल कोर्स उल को जो हम प्रोसेस करते हैं जो उलेन सिस्टम हो जाता है, और एक सिस्टम में जो है हम फाइन उल को प्रोसेस करते हैं जो हमारा वर्सेस सिस्टम कहलाता है। तो आज हम इस वर्सेस सिस्टम के प्रोसेस से जानेंगे कि वर्सेड यार्न की प्रोसेसिंग में कौन कौन से जो है मशीनें इन्वॉल्व होती हैं जिससे हमारा जो है कंप्लीट वर्सेड यार्न जो है प्रिपेयर होता है। तो आइए देखते है वर्स्टेड स्पिनिंग को। वर्स्टेड स्पिनिंग लाइक द शॉर्ट स्टेपल सिस्टम, दिस फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्पिनिंग टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू गो फ्रॉम फाइबर टू यार्न एंड कॉम्बिंग इज असाइंड यूज टू रिमूव शॉर्ट फाइबर एंड टू अचीव द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ फाइबर अलाइनमेंट ओरिएंटेशन अलोंग द यार्न एक्सिस। कह रहे कि जो है लाइक द शॉर्ट स्टेपल यार्न, जो है हमारी शॉर्ट स्टेपल यार्न की तरह वर्स्टेड स्पिनिंग सिस्टम भी एक लंबा जो है प्रोसीजर मशीनों का जो है फॉलो होता है, और इसमें कॉम्बिंग भी इन्वॉल्व होती है। और कॉम्बिंग प्रोसीजर में जो है कॉम्बिंग में हमारे जो है शॉर्ट फाइबर रिमूव होते हैं जो हमारी यार्न की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, और ओरिएंटेशन फाइबर ओरिएंटेशन हमारा इम्प्रूव हो जाता है इस कॉम्बिंग प्रोसेस से, और मिक्सिंग का लेवल जो है बढ़ जाता है। मेजर डिफरेंस फ्रॉम शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग इज द यूज ऑफ स्कोरिंग वॉशिंग एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस व्हेन यूजिंग नेचुरल प्रोटीन फाइबर सच एज वूल फॉर व्हिच द सिस्टम वाज फर्स्ट इंटेंडेड। कह रहे कि मेजर डिफरेंस फ्रॉम द शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग, जो हमारा शॉर्ट स्टेपल और भी जो हमारी शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग मेथड है उसमें और वर्स्टेड स्पिनिंग और उल सिस्टम में हमारा जो है एक मेजर जो डिफरेंस है कि उल सिस्टम और वर्स्टेड स्पिनिंग सिस्टम में जो है स्कोरिंग उल की स्कोरिंग जो है इन्वॉल्व होती है, और दूसरे सिस्टम में फाइबर की स्कोरिंग जो है नहीं होती है। तो हमारी जो है उल सिस्टम और वर्स्टेड सिस्टम में फाइबर की स्कोरिंग जो है वॉशिंग होती है एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, हमारा जो प्रोसेस जो है शुरू होता है स्कोरिंग प्रोसेस से। यूजिंग नेचुरल प्रोटीन फाइबर सच एज उल एंड विच द सिस्टम वॉज फर्स्ट इंटेंडेड, और इस सिस्टम में जब हम नेचुरल प्रोटीन फाइबर यूज करते हैं तो हमारी जो है स्कोरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे जो है हम उल फाइबर की प्रोसेसिंग एक जो है फ्लो डायग्राम से जो है देखेंगे कि हमारी जो है उल फाइबर की प्रोसेसिंग जो है किस तरीके से जो है की जाती है। उल फाइबर उलन यार्न और वर्स्टेड यार्न को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आइए देखते हैं। यह हमारी उल फ्लीस है, उल फ्लीस से जो है वर्स्टेड प्रोसेसिंग उलन प्रोसेसिंग को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस उल फ्लीस को जो है उलन सिस्टम में स्कोरिंग करते हैं, और यहाँ पे भी जो है वर्सेस सिस्टम में भी हम स्कोरिंग करते हैं। यानी जो स्कोरिंग का प्रोसीजर होगा उल स्कोरिंग होगी वो दोनों ही उलेन और वर्सेस सिस्टम में कॉमन होगी, स्कोरिंग होगी उल फाइबर की। आफ्टर देन उसके बाद जो है हम लोग जो है कार्डिंग फॉलो करते हैं, कार्डिंग करते हैं मटेरियल की, उल फाइबर की कार्डिंग करते हैं जो दोनों ही सिस्टम में किया जाता है, उल सिस्टम में भी और वर्सेस सिस्टम में। यहां से हमारा प्रोसेस जो है डिफरेंस होता है, और यहां पे जो है उलन सिस्टम में हम कार्डिंग के बाद जो है फाइबर से जो है यार्न प्रिपेयर करते हैं, स्पिनिंग सिस्टम स्पिनिंग एंड ट्विस्टिंग करते हैं, और यार्न प्रिपरेशन के बाद हम फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं, और फैब्रिक्स जो है हमारे जो है टफ्टेड कारपेट में यूज किए जाते हैं, और गारमेंट्स में जो है हमारे जो है यूज किए जाते हैं, और नीट वेयर में भी हमारे उलन फैब्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है हम वर्सेस सिस्टम को देखेंगे, तो वर्सेस प्रोसेसिंग स्कोरिंग हुई, कार्डिंग, कार्डिंग के बाद गिलिंग, गिलिंग जो है हमारा जो ड्रॉ फ्रेम, जनरली जो कॉटन सिस्टम में ड्रॉ फ्रेम होता है उसी तरीके का जो है सिस्टम है, यहाँ भी ड्राफ्टिंग होती है। मिडिल जो मिडिल रोलर है, मिडिल रोलर की जगह पे हमारे जो है फॉलर यूज होते हैं जिससे इस सिस्टम को, इस मशीन को हम गिलिंग कहते हैं। तो कार्डिंग के बाद हमारी जो है गिलिंग होगी, गिलिंग के बाद कॉम्बिंग, कॉम्बिंग में हमारा शॉर्ट फाइबर
वेजिटेबल मटेरियल रिमूव होंगे, फाइबर ओरिएंटेशन जो है इंप्रूव हो जाएगा, फाइबर पैरेलल टू पैरेलल इंप्रूव हो जाते हैं, पैरेलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा फाइबर का कमिंग प्रोसेस से। ड्राफ्टिंग आफ्टर कमिंग के बाद हम फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, यानी इट मींस गिलिंग, यहां पे जो है गिलिंग का ऑपरेशन फिर से परफॉर्म होगा। उसके बाद जो है स्पिनिंग, गिलिंग के बाद जो कॉम्बिंग, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद जो है रूबिंग फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे फिर हम स्पिनिंग जो है यानी यार्न प्रिपेयर करते हैं। यार्न प्रिपरेशन के बाद जो है हम इस फैब्रिक का इस्तेमाल जो है गारमेंट्स में और नीट वियर में जो है हम इस वर्सेट यार्न को इस्तेमाल करते हैं। स्कॉरिंग प्रोसेस, हम ऊल फ्लीस है जो ऊल सिप से हमें जो ऊल मिलता है उस ऊल को जो है हम सबसे पहले जो है उस ऊल की जो है हम स्कॉरिंग करते हैं, स्कॉरिंग करते हैं। स्कॉरिंग में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है स्कॉरिंग प्लांट है। स्कॉरिंग प्लांट में हमारा जो है फर्स्ट बाउल है, सेकेंड बाउल है, थर्ड बाउल है, फोर्थ बाउल है, बाउल कह लें या हमारे टैंक होते हैं। इस टैंक में या बाउल में हम फाइबर को जो है फर्स्ट बाउल में जो है फीड करते हैं, और उस जो फर्स्ट बाउल में हमारे जो वाटर और डिटर्जेंट और उसके साथ सॉफ्ट एल्कली मिक्स होता है, उसके बाद जो है सेकेंड में भी डाइल्यूशन कम कर देते हैं, थर्ड में और कम कर देते हैं, और फोर्थ टैंक में जो है हमारा केवल जो है हॉट वाटर होता है, उसके बाद जो है हमारा ड्रायर होता है। यहाँ पे हम फ्लीशूल को फर्स्ट टैंक में हम फिट करेंगे, फर्स्ट टैंक के बाद जो है मेटल को सेकेंड टैंक मिलाते हैं, फिर उसके बाद थर्ड टैंक मिलाते हैं। इस तरीके से ऊल की हमारी वॉशिंग कंप्लीट वॉशिंग हो जाती है, और फोर्थ टैंक में हम मेटल को रिंज अच्छी तरीके से रिंज कर लेते हैं, उसको हिला लेते हैं और फाइबर को वॉश कर लेते हैं कंप्लीटली, उसमें से डिटर्जेंट और एल्कली केमिकल रिमूव हो जाते हैं, और हम स्कॉर्ड ऊल को यानी अब हमारा मेटेरियल जो है ऊल फाइबर स्कॉर्ड हो गया, स्कॉर्ड ऊल को हम ड्रायर में फिट करते हैं, ड्रायर जो है मेटेरियल को ड्राई कर देता है। ड्राई होने के बाद हमारा मेटेरियल जो है पैकिंग जोन में आता है जहां हाइड्रोलिक पैकिंग होती है, और मेटेरियल हमारा ऊल फाइबर स्कॉर्ड ऊल फाइबर बेल फार्म में हमारा पैक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा स्कॉरिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है। डिटेल में देखते हैं, द स्कॉरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ टैंक बाउल होल्डिंग वार्म वाटर, जिसमें जो है वार्म वाटर होता है विथ ए सोप एंड एल्कली, और उस टैंक में क्या होगा, सोप एंड एल्कली होगा, डाइल्यूट एल्कली होगा, एंड ए सीरीज ऑफ फार्क और रेक्स to push the wool through the tanks, और जो है फॉर्क होते हैं या रेक्स होते हैं जिसके माध्यम से हम wool fiber को push करते हैं टैंक में। The level of soap and alkali is reduced at each subsequent tank and the last tank generally contain only water to rinse the wool before it is fit to a dryer। कह रहा है कि जो हमारे जो टैंक है उस टैंक में जो है हम जो सोप और डिटर्जेंट और एल्कली का कंटेंट है, मिक्सचर है, उसको हम पहले टैंक में थोड़ा सा जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कंपेयर देन सेकेंड, सेकेंड में कम होगा, थर्ड में और कम होगा, और फोर्थ टैंक में जो है हमारा केवल और केवल वाटर होगा जिसमें हम फाइबर को रिंज कर लेते हैं, और रिंज करने के बाद हम उसको फीड करते हैं ड्रायर में। द शंट विच हैज बीन रिमूव्ड इन द स्कॉरिंग प्रोसेस, जो शंट यानी जो है स्वीट शिप का जो पसीना है वूल फाइबर में जो चिपका रहता है वो जो है रिमूव हो जाता है। विच हैज बीन रिमूव्ड द स्कॉरिंग प्रोसेस, स्कॉरिंग प्रोसेस में रिमूव हो जाता है। इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ लैनोलिन, और ये जो लैनोलिन का एक नेचुरल फॉर्म है एंड ऑफ्टन सोल्ड टू ए कॉस्मेटिक कंपनी बाय स्कोरर्स, और जो है हमारे जो है ये लैनोलिन को जो है कॉस्मेटिक कंपनियों को जो है बेच दिया जाता है जो सौंदर्य प्रोडक्ट को में जो है इस्तेमाल करते हैं। वर्स्टेड यार्न प्रोसेस, हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे वर्स्टेड यार्न के प्रोसेस को। वर्स्टेड यार्न को मैन्युफैक्चर में एक लेंथी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो हमारा स्पिनिंग कॉटन स्पिनिंग का प्रोसीजर होता है उससे भी हमारा प्रोसीजर जो है लंबा प्रोसेस जो है लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी मशीनें, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वर्सेड स्पिनिंग में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्सेड यार्न, वर्सेड यार्न रिफर टू यूजिंग वर्सेड स्पिनिंग टेक्निक विच प्रोड्यूस ए स्मूथ यार्न इन विच द फाइबर लाइ पैरेलल। रोबिंग एंड वूल टॉप्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू स्पिन वर्सेड यार्न,
वर्सेड यार्न जो है, वर्सेड यार्न रिफर टू यूजिंग वर्सेड टेक्निक। वर्सेड टेक्निक से जो है हमारे वर्सेड यार्न जो है प्रिपेयर किया जाता है, विच प्रोड्यूस ए स्मूथ यार्न। और इस टेक्निक से जो है यार्न जो है स्मूथ प्रोड्यूस होता है, विच द फाइबर लाइव पैरेलल, और फाइबर हमारे जो है पैरेलल जो है पैरेलल अरेंज कर दिए जाते हैं। रोविंग एंड उल टॉप्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू स्पन वर्सेड यार्न। और इस सिस्टम में हम रोविंग प्रिपेयर करते हैं और टॉप प्रिपेयर करते हैं, देन रोविंग प्रिपेयर करते हैं और इस वर्सेड यार्न को प्रिपेयर करने में प्रोसेस जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, स्कॉरिंग प्रोसेस आपने देख चुका है। उसके बाद जो है हमारा मेटल ब्लेंडिंग किया जाता है, मेटल को मिक्स किया जाता है उल फाइबर को, इस क्लीन उल को, देन कार्डिंग, कार्डिंग का प्रोसेस उसके बाद जो है परफॉर्म किया जाता है, जिसमें फाइबर की ओपनिंग हो जाती है और फाइबर हमारे फाइबर टू फाइबर पैरालाइज हो जाते हैं, फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है और फाइबर टू फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव हो जाता है। ड्राइंग एंड ग्लिंग लाइक दैट कॉटन स्पिनिंग, कॉटनिंग स्पिनिंग में आप कॉम्बिंग के बाद ड्रा फ्रेम यूज करते थे, यहाँ पे जो है यहाँ पे ड्राइंग का जो प्रोसेस हो रहा है ड्रा फ्रेम की जगह हम गिलिंग जो है गिल बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है बेसिक जो डिफरेंस होता है ड्राफ्टिंग में होता है। ड्राफ्टिंग में हमारा बैक रोलर, मिडिल रोलर और फ्रंट रोलर होता है कॉटन सिस्टम ड्रा फ्रेम में, और यहाँ पे हमारा जो है बैक रोलर मिडिल रोलर के प्लेस पे जो है हमारे फॉलर्स होंगे, अपर हेड फॉलर और बॉटम हेड फॉलर होंगे और जो है फ्रंट रोलर होगा। और इस केस में हमारे फॉलर का वर्क क्या होता है कि फाइबर जो है फाइबर और ओरिएंट जो है फाइबर की कॉम्बिंग करते हैं, एक तरीके से क्लीनिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं और फाइबर को स्ट्रेट फाइबर को और स्ट्रेट कर देते हैं। लाइक दैट कॉम, आप जो हेयर कॉम करते हैं, जो आप अपना आप कॉम से कंघी से जो है आप बाल को स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, यहाँ भी जो फॉलर होते हैं फॉलर का वर्क वही होता है, फाइबर को स्ट्रेट करते जाते हैं ड्रॉइंग प्रोसेस में। ड्रॉइंग हमारी परफॉर्म हो गई, उसके बाद जो है कॉम्बिंग प्रोसेस, हम मेटल को जो है कॉम्बिंग मशीन पे लाते हैं, मेटल की कॉम करते हैं जहाँ पे शॉर्ट फाइबर और वेजिटेबल मेटल हमारे रिमूव होते हैं और क्लीन फाइबर, क्लीन वूल फाइबर और इस जो है टॉप फॉर्म में जो है बॉल फॉर्म में या बम फॉर्म में जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो हमारा क्लीन फाइबर होता है कॉम्बिंग के बाद, फाइबर स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं और जो है क्लीन हो जाते हैं। कॉम्बिंग के बाद हम टॉप मेकिंग, जो कॉम्बिंग के बाद जो हम ड्रा फ्रेम गिलबॉक्स पे लाते हैं और गिलबॉक्स पे जो हम टॉप फॉर्म में मटेरियल को जो हम कैन में ना कलेक्ट करके हम टॉप फॉर्म में मटेरियल को जो है कलेक्ट कर लेते हैं बॉल फॉर्म में। ड्राइंग एंड ग्लिंग, यहाँ पे जो है आपने टॉप फॉर्म में मटेरियल को जो है कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद अगेन हमें जो है ड्राइंग और गिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ड्राइंग और ऑपरेशन गिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम मटेरियल को रोविंग के लिए जो है हम फ्लाई फ्रेम पे जो है ले जाते हैं, जहाँ पे हम मटेरियल को जो है रोविंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम रोविंग मशीन हमारी जो है कॉटन रोविंग मशीन से स्लाइटली जो है डिफरेंट होती है, तो हम देखेंगे प्रोसेस में कि हमारी मशीन किस तरीके की होती है। स्पिनिंग प्रोसेस, रोविंग के बाद हम मटेरियल जो है रोविंग मटेरियल फिट करते हैं रिंग फ्रेम पे। रिंग फ्रेम काफी सिमिलर होता है कॉटन रिंग फ्रेम की तरह, जो है इस वर्ष सिस्टम में भी जो हमारा रिंग फ्रेम जो है काफी सिमिलर होता है। और यहाँ पे जो है हम मेटल रोबिंग मेटल को इस रिंग फ्रेम पे ले जाते हैं और यार्न प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए वन बाय वन एक एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं शॉर्ट में। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इज कैरिड आउट एट दिस स्टेज टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ यार्न। ब्लेंडिंग जो है कैरिड आउट इन दिस स्टेज इंश्योर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी ऑफ यार्न की यूनिफॉर्मिटी लेवल को बढ़ाने के लिए, यार्न जो है एक यूनिफॉर्म यार्न प्रोड्यूस करने के लिए हम ब्लेंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ब्लेंडिंग ऑपरेशन में हमारी फाइबर की मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है और फाइबर मिक्सिंग प्रॉपर होने से हमारा जो प्रोडक्ट के रूप में जो यार्न प्रोड्यूस होता है, यार्न हमारा जो है यूनिफॉर्म यार्न प्रोड्यूस होता है। टू रिड्यूस वेरिएशन इन फैब्रिक, वेरिएशन में हमारा जो है फैब्रिक में वेरिएशन जो है कम हो जाते हैं। टू एक्सप्लॉइट द पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द ब्लेंड टू द फुल एंड रिड्यूस कास्ट, जो है इस ब्लेंडिंग ऑपरेशन में जो है हमारी जो है कास्ट जो है कम हो जाती है
हमें एक जो है ऑप्टिमम यार्न की क्वालिटी या ऑप्टिमम क्वालिटी मिल जाती है और कास्ट का लेवल जो है कम हो जाता है। इट इज रेयर टू डाई एट फाइबर स्टेज इन रोलर ड्राफ्टिंग सिस्टम एंड सो ब्लेंडिंग इज कैरिड आउट इन लार्ज बिन इन टू विच द फाइबर आर फेड थ्रू ए न्यूमेटिक पाइप्स एंड ए रोटेटरी स्प्रेडर which horizontally layer the fiber down the full length of the bin. यहाँ पे जो है it is rare to die, कह रहा है कि generally ये जो है fiber die नहीं किए जाते हैं, लेकिन sometimes में जो है कभी कभी जो है fiber dyeing होती है और fiber dyeing के बाद फिर हम जो है उसको आगे process में carry करते हैं और mixing करते हैं bin में, हम mixing करते हैं और pneumatic system से जो है हमारा फाइबर जो है बिन से जो है आगे फॉरवर्ड होता है, बिन में आता है और बिन से जो है फिर आगे फॉरवर्ड होता है। तो दे आर देयरफॉर रिमूव्ड टू द कार्डिंग मशीन इन वर्टिकल लेयर गिविंग मोर ब्लेंडिंग पावर। यहाँ पे जो हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग जो है हमारी न्यूमेटिक मिक्सिंग यानी जो है हम एयर के मिक्सिंग करते हैं और एयर माध्यम से सक करके हम बिन में जो है लेयर टू लेयर इसको अरेंज करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको जब मशीन में कार्डिंग मशीन में फीड करते हैं तो वर्टिकली बिन से मटेरियल हम वर्टिकली कट करते हैं लेते हैं और हम कार्डिंग मशीन में मटेरियल को फीड करते हैं। दे कैन रिमूव टू कार्डिंग मशीन इन वर्टिकल लेयर। वर्टिकल लेयर के रूप में हम ऊपर से नीचे तक एक समान रूप से मेटल को लेते हैं और कार्डिंग में हम फीड करते हैं। द इम्पॉर्टेंट इशू इज दैट द ब्लेंडिंग इंश्योर होमोजीनियस ए मिक्स ब्लेंड एज पॉसिबल। कह रहे कि यहाँ पे हम वो सारे प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं जिससे हमारी जो है ब्लेंडिंग एक होमोजीनियस मिक्सिंग हो, एक समान हमारी मिक्सिंग हो जिससे कि हमारा यार्न जो है एक समान क्वालिटी का प्रोड्यूस हो। कार्डिंग ब्लेंडिंग के बाद हमारा मटेरियल जो है फीड होता है कार्डिंग मशीन पे, तो कार्डिंग मशीन को हम देखते हैं। कार्डिंग मशीन हमारी जनरली जो कॉटन कार्डिंग मशीन होती है उससे हमारी उलन कार्डिंग वर्सेट कार्डिंग हमारी डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक लेंदी कार्ड जो है इन्वॉल्व होता है इस उलन कार्डिंग सिस्टम में, वर्सेट कार्डिंग सिस्टम में। तो आइए थोड़ा सा जो है प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पे हम कार्डिंग उल मेटेरियल को फीड करते हैं और उल हापर से मेटेरियल हापर में फीड करते हैं। यहाँ पे आप जो है फीड हमारी जो फीड लैटिस है हॉरिजॉन्टल लैटिस है, हॉरिजॉन्टल लैटिस से मेटेरियल हमारी इंक्लाइन लैटिस से होते हुए स्पाइक्स बने होते हैं इस लैटिस में, मेटेरियल को कैच करके और यहाँ पे रोलर जो है ओपनर रोलर होता है मेटल को ओपन करता है और यहाँ पे हॉपर में फीड करता है। हॉपर में हमारी हॉरिजॉन्टल लैटिस है, लैटिस से मेटल हमारा फॉरवर्ड होता है और फीड रोलर है, फीड रोलर से मेटल हमारा जो है आगे फॉरवर्ड होता है लीकर इन को। ये हमारा लीकर इन रोलर है। लीकर इन पे जो है वर्कर और स्ट्रिपर जो आप ओपनिंग के लिए यहाँ पे फाइबर टू फाइबर ओपनिंग के लिए लीकर इन पे ओपनिंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो है लीकर इन के ऊपर जो है वर्कर और स्ट्रिपर लगे होते हैं। वर्कर और स्ट्रिपर वर्कर और लीकर इन के बीच में जो है मेटेरियल ओपन होता है और मेटेरियल ओपन होकर के ये हमारे ट्रांसफर रोलर है। ट्रांसफर रोलर से हमारा मेन जो है स्विफ्ट या सिलेंडर जिसको सिलेंडर या स्विफ्ट कहते हैं वहां पे मेटेरियल जो है स्विफ्ट कैच कर लेता है, मेटेरियल को कैच करके आगे बढ़ता है। यहाँ पे हमारे वर्कर और स्ट्रिपर लगे रहते हैं। वर्कर और स्विफ्ट के बीच में कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है और मेटेरियल की ओपनिंग लेवल बढ़ती जाती है। जो मेटेरियल वर्कर पे कैच होता है वर्कर से मेटेरियल जो है स्ट्रिपर हमारा कैच कर लेता है और स्ट्रिपर पुनः मेटेरियल को जो है स्विफ्ट के कंटेक्ट में लाता है और स्विफ्ट जो है मेटेरियल को कैच कर लेता है। इस तरीके से मेटेरियल जो है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर होता रहता है और मेटेरियल की फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती जाती है और मेटेरियल हमारा जो है फाइबर टू फाइबर ओपन होकर के और एक जो है लेयर जो है हमारी जो है फाइबर की लेयर जो है डाफर पे जो है शिफ्ट हो जाती है। डाफर रोलर कैच कर लेता है और डाफर से जो है मेटेरियल आगे वेव फॉर्म में जो है आगे मेटेरियल हमारा वेव फॉर्म में डिलीवर होता है और वेव फॉर्म यहाँ पे हमारा डाफर काम है। डाफर काम जो है मेटेरियल सेपरेट कर लेता है डाफर से और वेव फॉर्म में हमारा मेटेरियल डिलीवर होता है। वेव को हम कंडेंस कर लेते हैं, कंडेंस को जो है कैलेंडर रोलर से पास करते हुए क्वालर कैलेंडर रोलर से हम मेटल को कैन में लेते हैं। आप यहाँ पे कैन देख रहे हैं, मेटल कैन में जो है स्लाइवर फार्म में मेटल को कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से हमारी कार्ड जो है एक लंबी कार्ड रोलर कार्डिंग इन्वॉल्व होती है वर्सेड सिस्टम में और उलन सिस्टम में।
तो आइए देखते हैं कार्ड के को जो है थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं कार्ड का। द वर्सेड कार्डिंग सिस्टम यूजेस रोलर एंड क्लियरर एंड इज ए बिगर एंड लॉन्गर मशीन देन वॉज डिस्क्राइब फॉर शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग बट नॉट एज लॉन्ग एज इन वुलन कंडेंसर सिस्टम विच ऑल्सो यूज रोलर एंड क्लियरर कार्डिंग। फिगर में आप जो है वर्सेड कार्डिंग में जो है आप दे आपने जैसा कि आपने फिगर देगा कार्डिंग में जो है हमारे रोलर हमारी जो है कार्डिंग जो है लंबी कार्डिंग है जिसमें रोलर ऊपर के ऊपर जहां पे फ्लैट लगी होती थी वहां पे हमारे जो है रोलर लगे हैं जिनको वर्कर और स्ट्रिपर रोलर कहते हैं। यहाँ पे जो है हमारी कार्ड काफी लंबी है बट उलेन कार्ड लाइक दैट उलेन कार्ड। उलेन कार्ड में भी हमारी जो है कार्ड इसी तरीके से लंबा कार्ड इन्वॉल्व होता है। The objective of this process are to disentangle the clump of the fiber, wool fiber, to remove the burrs and other vegetable matter and to continue to blending process. कह रहे कि जो है इस कार्डिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है। कार्डिंग हमारी जो है जनरली जो फाइबर क्लम्प्स है उन फाइबर क्लम्प्स को जो है डिसएंगल जो है करती है और रिमूव कह रहे कि उसको जो है फाइबर टू फाइबर को जो है ओपन करती है और उसमें से बर और वेजिटेबल मटेरियल को रिमूव करता है। बर क्या है? बर भी जो है फाइबर की तरह जो है पतला सा वेजिटेबल मटेरियल होता है जो फाइबर के साथ इंटेंगल होता है। तो इस तरीके से बर और वेजिटेबल मटेरियल को रिमूव करता है एंड टू कंटिन्यू ब्लेंडिंग प्रोसेस और साथ साथ जो है ब्लेंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता जाता है। द मेन दिस एंड दिस इंटेंगलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द टीथ वायर ऑफ द सिलेंडर आर स्विफ्ट एंड द वर्कर यूजिंग ए पॉइंट टू पॉइंट एक्शन। कह रहे कि मेन दिस एंटेंगलिंग कह रहे कि फाइबर हमारे जो है इंटेंगलमेंट होते हैं और जो फाइबर को जो है हम डिसएंटेंगल करते हैं यानी फाइबर को हम स्ट्रेट करते हैं। तो जो मेन प्रोसेस हमारा डिसएंटेंगलिंग का या कार्डिंग एक्शन का जो परफॉर्म होता है वो सिलेंडर और वर्कर के बीच में जो है पॉइंट टू पॉइंट एक्शन में परफॉर्म होता है। कार्डिंग एक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा ये स्विफ्ट है ये हमारा वर्कर है वर्कर रोलर है ये जो है यहाँ पे हमारा कार्डिंग एक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है हमारा डॉफर है जो डॉफिंग एक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रिपर है जो स्ट्रिपिंग एक्शन जो है यानी स्ट्रिपर जो है वर्कर से फाइबर को जो है कलेक्ट कर लेता और फिर स्ट्रिपर से जो है स्विफ्ट कलेक्ट कर लेता है फाइबर को। इस तरीके से हमारा फाइबर जो है स्विफ्ट से वर्कर कलेक्ट करता है और वर्कर से जो है स्ट्रिपर कलेक्ट करता है और स्ट्रिपर पुनः वर्कर को जो है ट्रांसफर कर देता है फाइबर। तो फाइबर सरफेस टू सरफेस जो है स्ट्रेचिंग होती है फाइबर स्ट्रेच होता है सरफेस टू सरफेस और इस तरीके से हमारी फाइबर की ओपनिंग होती है। जो हमारे डिसइंटेंगल फाइबर है वो फाइबर हमारे स्ट्रेट होते जाते हैं सीधे होते जो फाइबर हमारे उलझे हुए फाइबर है वो फाइबर हमारे स्ट्रेट होते जाते हैं सीधे होते जाते हैं। टू मूव द फाइबर थ्रू द प्रोसेस स्ट्रिपिंग रोलर आर यूज टू रिमूव द स्ट्रिप द फाइबर फ्रॉम द वर्कर थ्रू ए पॉइंट टू बैक एक्शन एंड दीज आर टू टर्न स्ट्रिप बाय द सिलेंडर आर स्विफ्ट बाय द सेम एक्शन। कह रहे कि जो फाइबर जो फॉरवर्ड हुए थे आपके जो है फाइबर हमारा जो है फीड रोलर से टेकर इन को आता है टेकर इन से ट्रांसफर रोलर को ट्रांसफर रोलर से स्विफ्ट पे हमारा जो है सिलेंडर या स्विफ्ट पे आ गया। जैसे ही सिलेंडर हमारा मटेरियल को फाइबर को लेकर के आगे बढ़ता है स्ट्रिपर मटेरियल को स्ट्रिपर कैच करता है अपने सरफेस पे और जो है रोटेट करता है उस स्ट्रिपर से जो है हमारे जो है इन दोनों सरफेस के बीच में जो है रिलेटिव फोर्स होता है रिलेटिव स्पीड होती है यानी हमारी स्विफ्ट की स्पीड ज्यादा होगी वर्कर की स्पीड कम होगी तो फाइबर हमारे जो है स्ट्रेच होते हैं खींचते हैं और उसके बाद जो है वर्कर से जो है स्ट्रिपर मटेरियल को कैरी करता है कैच कर लेता है तो उन दोनों में रिलेटिव स्पीड होती है और फाइबर वहां पे भी हमारी स्ट्रेचिंग होती है और फिर स्ट्रिपर से जो है फाइबर जो है रिमूव होता है और वर्कर स्ट्रिपर से जो है फाइबर हमारा स्विफ्ट पे सरफेस पे पुनः आता है वहां पे भी फाइबर की जो है स्ट्रेचिंग होती है यानी सरफेस टू सरफेस जो रिलेटिव स्पीड में रिलेटिव स्पीड है उसमें जो चेंज होता है रिलेटिव स्पीड हमारी अलग अलग है दोनों सरफेस में इसलिए फाइबर हमारा तेजी से खींचता है और फाइबर स्ट्रेट होता है।
to move the fiber through the process, stripping roller are used, remove the strip the फाइबर फ्रॉम द वर्कर, यानी स्ट्रिपिंग रोलर जो है वर्कर से फाइबर को कलेक्ट कर लेता है. ए पॉइंट टू बैक एक्शन एंड दीज आर इन टर्न स्ट्रिप बाय द सिलेंडर, और उसके बाद जो है ये जो है स्ट्रिप होता है, दीज आर इन टर्न स्ट्रिप बाय द सिलेंडर आर स्विफ्ट बाय द सेम एक्शन, और स्ट्रिपर से जो है हमारा स्विफ्ट जो है सेम एक्शन के थ्रू फाइबर को कैच कर लेता है. फाइनली ए फैंसी रोलर इज यूज टू रेज द फाइबर आउट ऑफ द स्विफ्ट, हमारे स्विफ्ट के आगे एक फैंसी रोलर लगा होता है जो फाइबर को रेज करता है, फाइबर को पिन से जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालता है, सो दैट दे कैन फॉर्म इनटू वाइड फाइबरस वेव, और इस तरीके से ये जो है हमारी फाइबरस वेव फॉर्म होती है. द एक्शन आर ब्रॉट अबाउट ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द टीथ एंड वायर ऑन द वेरियस रोलर टाइप्स एंड देयर रिलेटिव सर्फेस स्पीड, करें कि the action are brought about due to the direction of the teeth and wire are various roller types and their relative, करें कि ये हमारे roller में अलग roller में हमारे जो है wire teeth लगी हुई हैं और उनके जो है surface speed जो है अलग अलग है, इन surface speed से सारे action जो है perform होते हैं. ये आप देख रहे हैं ये हमारे जो है ड्राइंग रोलर है, यानी एक तरीके से हमारे जो है फिट रोलर है, और ये हमारा लिकरिन है, लिकरिन पे हमारे वर्कर और स्ट्रिपर है, और लिकरिन से ट्रांसफर रोलर है, ट्रांसफर रोलर के माध्यम से लिकरिन से मटेरियल ट्रांसफर रोलर पे है, ट्रांसफर रोलर मटेरियल जो है ट्रांसफर कर दिया सिलेंडर को या स्विफ्ट को, इसको सिलेंडर या स्विफ्ट कहते हैं, सिलेंडर मटेरियल को कैरी करके फॉरवर्ड होगा और आगे जो है हमारा स्ट्रिपर होगा वर्कर होगा, मटेरियल को जो है वर्कर जो है अपने सरफेस पे लेता है और वर्कर के सरफेस से जो है स्ट्रिपर कैच कर लेता है और स्ट्रिपर के सरफेस से पुनः मटेरियल जो है स्विफ्ट सरफेस पे यानी सिलेंडर पे आता है. इस तरीके से फाइबर का रोटेशन जो है स्विफ्ट टू वर्कर, वर्कर टू स्ट्रिपर एंड स्ट्रिपर टू स्विफ्ट जो है होते हुए मटेरियल हमारा जो है फॉरवर्ड होता है. और ये हमारा जो है फैंसी रोलर है, फैंसी रोलर जो मैट वेव को जो है वेव फाइबर को वेव के रूप में बाहर निकालता है, और आगे हमारा जो है डाफर रोलर है, डाफर रोलर मेटल को कैच कर यहाँ पे हमारा डबल डाफर जो है डबल डाफर का जो हमारी कार्डिंग है, डबल डाफर कार्डिंग है, तो यहाँ पे हमारे दो डाफर लगे हुए हैं, दोनों डाफर जो है मेटल को कैच करते हैं और कैच करके आगे जो है वेव फॉर्म में जो है डिलीवरी होती है, वेव जो है कंडेंस होती है, कंडेंस होकर के हमारी जो है कैलेंडर रोलर से पास होते हुए, कॉलर कैलेंडर से पास होते हुए कैन में मटेरियल फीड हो जाता है. यहाँ पे जो है आप कार्ड देख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द वर्स्टेड कार्ड द वेव ऑफ फाइबर इज कंडेंस इनटू ए रोप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए स्लाइबर. वर्स्टेड कार्डिंग के बाद जो है फाइबर हमारा वेव फॉर्म में जो है निकलता है, जिसको हम कंडेंस कर लेते हैं, और ये जो है रोप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्लाइबर कार्ड स्लाइबर कहते हैं. एज इन द शॉर्ट स्टेपल सिस्टम, शॉर्ट स्टेपल सिस्टम में जो है इसको हम स्लाइबर करते हैं, विच इज देन क्वाइल्ड इन टू कैन फॉर डिलीवरी इन टू ड्राइंग स्टेज, विच इज देन क्वाइल्ड इन टू ए कैन, और कैन में इसको हम क्वालिंग क्वाइलर से कैन में जो है इसकी डिलीवरी ले लेते हैं टू द ड्राइंग स्टेज, और ये मेटेरियल हमारा ड्राइंग स्टेज के लिए जो है फॉरवर्ड. आपने इस लेक्चर में वर्स्टेड स्पिनिंग प्रोसेस में आपने जो है वूल फाइबर की स्कॉरिंग, ब्लेंडिंग और कार्डिंग प्रोसीजर को समझा. हम वर्स्टेड स्पिनिंग के रेस्ट पोर्शन प्रोसेस को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.